हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स, सेकेंड सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स MAP एंड लैंडस्केपिंग। तो यहाँ पर MAP की फुल फॉर्म होती है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो आप इन्हें स्क्रीन को पॉज कर कर इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉयल एंड देयर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में है एक वर्ड है GIS। तो GIS की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में एक वर्ड है MPT। तो MPT की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ट्री स्पीसीज। तो हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एक वर्ड है GM। तो GM की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में वर्ड है WTO। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक और वर्ड है OECD। तो OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हम बढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं जैसे कि फर्स्ट है HEIA। तो HEIA की फुल फॉर्म होती है हेल्थ इक्विटी इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट LEISA। तो इसकी फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट LEISA इज लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज IFS। तो IFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम सीधा पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। तो इसमें एक फुल फॉर्म है PLC। तो PLC की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद हम सीधा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं जैसे CWC। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन। उसके बाद SWC। तो SWC की फुल फॉर्म होती है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट FCI। तो इसकी फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट CACP। तो इसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट DMI। तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद आपको लास्ट में थ्री फुल फॉर्म और मिल जाएंगी। तो फर्स्ट है GATT। तो इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट WTO। तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट IPR। तो IPR की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद आपको इनके फुल नोट्स मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सीधा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये था लास्ट सब्जेक्ट। इसके बाद एक और सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है तो आपको उनमें से चॉइस करना पड़ेगा। तो आप उन्हें चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। तो बस इसमें इतने ही सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।